1,70,000 का बछड़ा देखें, सौदे की कोशिश चल रही है यहाँ पे। बछड़ा तो अच्छा है, खैर एक सौ कितने तक का है? 1,70,000 इसका, 5,80। अच्छा देखो चाचा, रेट थोड़ा ऊपर मांग रहे हो। 270 का, 270 का, कितने 270 का नहीं चाचा, मैंने भरपूर लगा दिया। अगर तुम्हें 5 मन का लग रहा है सौ, तो 270 तो तुमने ज्यादा लगा दिए। ज्यादा लगा दिया, हाँ ना, ऐसी खूबसूरती हो, दुम दब गई है उसकी, दुम दब गई है। अच्छा भाई, 4.5 इसके डिमांड कर रहे हैं, ब्यूटी चेक कर रहे हैं। उसने कितनी गिरी थी? तो कितना दिन हो गया? 7 दिन हो गया। तो रेट नहीं लग रहा है क्या? देर नहीं लग रहा है। अच्छा, वैसे मार्केट खराब चल रहा है ना इस बार? मार्केट खराब, बहुत खराब। तो भाई मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एफएस कराची वीडियो को यूट्यूब ऑन फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहते हैं। आज कहाँ है? आज हम आए मलीर मंडी, जुम्मे का दिन है आज माशाल्लाह से, और हम मलीर मंडी में आए। यहाँ के रेट्स वगैरह हम लेंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए, छोटे माल के भी, दरमियाने माल के भी, बड़े माल के भी। पहले पार्ट वन पार्ट टू करके बनाएंगे, क्योंकि मंडी बहुत बड़ी है, और बाहर पहले बाहर वालों के ले लेंगे, जो फिर जो मेन है ना, जो 12 महीने लगती है अंदर, जो गेट के अंदर है, उसका पार्ट टू बना देंगे। तो ये भी बाहर वाले के रेट लेंगे हम, उसमें क्या है कि मंडी चले, रेट्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और छोटा बड़ा तकरीबन सब माल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जुम्मे का दिन है, मलीर मंडी में खरीदार भी नज़र आ रहे हैं लोग, ये देखें। चलें रेट्स लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन ये देखें, माल तो भरपूर है। परमानेंट जो मंडी लगती है ना मलीर मंडी की, वो लग चुकी है। अब मंगल वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है, लोग यहाँ पे आम दिनों में भी यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। रेट्स लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ से देखते, कोई व्यापारी वही नज़र नहीं आ रहा, वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आ जाए रेट चल रहे हैं बहुत अच्छे। छोटा माल यहाँ पे ज़्यादा खड़ा हुआ है बनिस्बत बड़े के, क्योंकि डिमांड रहती है कि भाई छोटा बड़ा माल दोनों दिखाएं। हाँ साईं, अल्लाह, क्या नाम है? माल कौन सा तुम्हारा? हमारा है। बताओ कौन कौन सा है माल, बताओ कौन कौन सा है बेचने का। मंठारा, ये किसका है? ये किसका है? हमारा है। क्या मांग रहे हैं इसको? इसको 1,90। 1,90 बछड़ी है? हाँ बछड़ी। दो दांत पे? तो यार 1,90 इतना क्यों मांग रहा है साईं? तुम इतना क्यों मांग रहे है? इतना मांग रहे हो, खर्चे पड़ा। कितना खर्चा है यहाँ पे एक जानवर रखने का? कितना ले रहा है? एक एक रास्ते में बेचू ना। हाँ नहीं, मतलब एक जानवर यहाँ पे बांधने के कितने ले रहे हैं इंतजामिया? लेके 7.5 यहाँ बताए तो 7.5। अच्छा, और ये लड़ रहे हैं। अच्छा भाई, भाई को उर्दू नहीं आती इसलिए उनको कन्फ्यूजन हो रहा है। किसी ऐसे बंदे से बात करते हैं जिसको उर्दू आती हो। सलाम अलैकुम, क्या मांग रहे हो भैया इसके? भाई को बता दीजिए क्या मांग रहे हो साईं इसके? 1,80। जी हाँ। ये तो बच्चा है साईं? बछड़ी है। बछड़ी है पर बच्ची है भी? हाँ बच्ची है, लेकिन दो दांत है, चार दांत है। जो भी नहीं, दो चार दांत है, बच्ची है पर चार दांत है। खिलाई पिलाई नहीं हुआ इसलिए इसका चार दांत हो गया ना। और कौन कौन सा माल है आपका? ये सारा वो सारा। कितना सामान लाया हो साईं? जानवर। ओ माशाल्लाह, ये लाल वाले की क्या मांग रहे हो? अटना 1,60। कोई माल वाल बिका तुम्हारा? हाँ जी हाँ। कितना माल बिका? चार जानवर। ये भी तुम्हारा है? जी हाँ। इसका क्या डिमांड कर रहे हो? 240। अच्छा भाई देखें, इनके जो बड़ा जानवर है ना, इसके रेट इनके थोड़े मुनासिब लगे, पर जो छोटे जानवर के इन्होंने रेट मांगे है, माशाल्लाह भाई रेट अच्छे, रेट इसका मुनासिब मांगा है, ठीक है। 240 अगर बात बात करके साईं, कितने में बनेगी बात इसकी? अब तुम गलत कर रहे हो ना यार। 240 मांगा है तो तकरीबन 1,70-1,75 में देना चाहिए ना। 1,70-1,75 में फिर कितने में मुनासिब मांगते हैं? और मुनासिब तो तब होगा ना जब तुम 1,70-1,75 में दोगे। अच्छा, पठान नहीं हुए, सिंधी साईं है, सिंधी साईं। ये काले वाले छोटे के क्या मांग रहे हो? ये वाला 1,60। साईं रेट तो घटो थोड़े, बहुत मांग रहे हो यार तुम।
यार महंगाई नहीं कर रहे, महंगाई है वो तो खरीदार के लिए भी है, सबके लिए ना। अच्छा भाई देखें इसके मुझे खर्चा हमारा है ना, उतना खरीदार का नहीं है। खरीदार भी लेके जाता है उसको 10-10 हज़ार रुपए गाड़ी सुजुकी वाले, वो किराया देना पड़ता है। फिर सिर्फ किराया देना पड़ता है, हम इसको सालों में देना बोल रहे हो भैया। ये देखें भाई 190 लगाओ लगाओ, देखो क्या क्या कहते हो, कैसा रेट लग रहा है। हाँ भैया 10 हज़ार का हिसाब कर रहे हैं हम, लाखों के लगा रहे हैं। अच्छा भाई को 80 आ रही है 90 पे। अच्छा भाई और रेट लेंगे, ये भी तुम्हारा है बड़ा, इसके क्या मांग रहे हो। 3.5 नहीं कम मांग रहा है भाई, बोल रहे 5.5 वो मांग रहा है 3.5, क्या कहते समझ में आ रहा तुम्हें रेट कैसे मांग रहा है। 3.5 तो सही बोल रहा है ये बन जाएगा 3.5 सही बोल रहा है ना। अच्छा देखें जो हमारे साथ खरीदार है ना वो भी कह रहे हैं कि बड़े जानवर के रेट थोड़े इसके मुनासिब लग रहे हैं। अगर बात करें छोटे जानवरों में तो अल्लाह माफ करे, जो 60-65 में रस्सी छोड़नी चाहिए उसकी 1.60-65 मांग रहे हैं, तो बंदा कितने तोड़वाएगा। सही है दोनों लड़ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं ये। और ये बड़े वाले का क्या मांग रहे हो, इस बड़े का एक दाम है 3.5-3.5। अच्छा भाई ये तो फिर भी वजन में हल्का, ये थोड़ा वजन में भारी है, इसके 3.5 और मुनासिब लग रहे हैं। ये मलिर मंडी की जो परमानेंट मंडी लगी ना उसका स्टार्टअप है ये। सही इसके क्या मांगता है, इस वाले के, इस वाले के 3.20 कितने में देने की बात है, दो के कितने में। फाइनल आपको 2.80 का पड़ेगा। 2.80 भाई बिछड़ा। अच्छा भाई है इनका चारा था, 2.80 मांग रहे हैं, खूब 2.80 मांग रहे हैं 2.80। अच्छा बछड़ा 2 लाख पे है सही, ज़्यादा नहीं हो गया इसका, ज़्यादा नहीं मांग रहे थोड़ा। खूबसूरत बछड़ा है माना, पर थोड़े से ज़्यादा नहीं हो गए। देखो तो हम तुम्हें दिखा रहे हैं, अब तुम थोड़ा मुनासिब दो ना। ये 60 का था, 2 से नीचे की बात नहीं है 20 की। ये वाइट वाला, ये वाइट वाला, ये जो वाइट खड़ा हुआ है ये 3.80 का होगा, ये 3.80 का होगा। और ये जो खड़ा हुआ है ये वाला, ये वाला ये 5 का। अच्छा यार देखो लिटरली मैं आपको बात बताऊँ ना तो व्यूवर्स, जानवर इनके पास खूबसूरत हैं पर रेट्स मुझे थोड़े से इनके अबव लग रहे हैं। अगर कोई सीरियस कस्टमर आता तो बात बनेगी, कम ही पेशी करेंगे। तो एक वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि कितने में दोगे ये, 2 से नीचे की बात है। नहीं नहीं नीचे तो नहीं है। कितना होगा वजन में, 2 से ऊपर वजन में कितना होगा ये, 4.5 मन। 4.5 मन तो नहीं, 4.5 तो नहीं है, 4 है पर 4.5 मुश्किल होगा ये। अच्छा और कौन कौन सा माल है अपना, ये सारा अपना है। अच्छा ये लाल वाले की क्या डिमांड कर रहे, ये 2.80 का है। सही तुमने पाड़ा पड़ा हुआ है 2.80 का, क्या कहते हो ऐसा ही लग रहा है ना, सेम है। वो बच्चा थोड़ा खूबसूरत है इसलिए समझ में आ रहा, पर ये तुम इसका ऊपर मांग रहे हो यार। 2.30 का, दोनों की 2 से नीचे की बात है। मैं आपको बताऊं तुम मार्केट में बैठे हो, खरीदार नहीं है इस वक्त, तुम्हें भी पता है खरीदार है जैसा होता है खरीदारी। वो तो लगाएंगे ना। अच्छा नहीं बात ऐसी है ना कि अगर खरीदार हो तब रेट समझ में आता, पर अभी खरीदार नहीं है सच में। खरीदार आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे उम्मीद है इंशाल्लाह। उम्मीद तो ऐसी है कि इस बार ऐसा लग रहा है कि मंडी बहुत ज्यादा पिटेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। वो नसीब की बात है, वो नसीब की बात, अल्लाह पाक आप लोगों को रोजी दे, सबको रोजी दे, हमें भी कुर्बानी में तुम्हें दिल खोल के पैसे देने की। हमारा जो खर्चा किया हुआ है ना वो तो हम यही सोच के रखा है, खर्चा तो नहीं निकलेगा लेकिन फिर भी जो हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। इस वाइट आलेगे, वाइट टुकड़ेगे, ये फाइनल रेट बताऊं इसके, फाइनल हाँ ये 2.60 का होगा यार। 2.60 बाबा साईं तुम ना थोड़ा सा दिल तोड़ रहे हो, जो बात है थोड़ा दिल तोड़ने वाली बात नहीं है मेरे भाई। ये देखे भाई इस वाइट बच्चे के मांग रहे हैं 2.60, पिंक सिंह है ठीक है, बछड़ा तो यार नहीं यार सही मांग रहे हैं, फाइनल 2.60 बोल रहे हैं। अगर आप इनसे डील वील करके 2.25-2.30 में खुलवाते हैं ना तो बहुत बेहतरीन डील है। आज आगे चलते हैं और भी रेट्स लेंगे, रेंडम रेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेट्रो 1
रैंडम। अच्छा भाई, ख़रीदार अब मार्केट में नज़र आ रहे हैं। क्या मांग रहे हैं इस छोटे के, इसके खूबसूरत बछड़े के? तुम्हारा नहीं है, तुम बेच दो ये। क्या हो गया, तुम आपस में सब भाई तो हो? तुम्हारा है, क्या मांगता है इसके? खूबसूरत है इसलिए 2.5 लाख। वजन में तो इतना नहीं है ये, वजन में जितना भी है आपके पास है। अच्छा, हमारे पास है तो तुम रेट भी तो हमारा वाला मांगो ना यार। जो आपके पास रेट हमारे मांगे वो दे दे, दे दो फिर 45-50 में। इतने में बकरी मिलेगी भाई, बकरी मैं इतने में 6 बकरे लूंगा साईं, 6 बकरे। आपकी मर्जी। अच्छा चलो, सीरियस वाली बात, कितने में देने की दादी, देने वाली बात क्या है इसका? मुनासिब यार, मुझे 55-50 तक समझ में आ रहा है, बताओ तुम। इतने में नहीं होगा, इतने में हमारे को रोजी नहीं बच रही है। तो रोजी कितने में बच रहा है यही तो पूछ रहा हूँ। 220 में बच रही है। इसमें हमें नहीं बच रहा, तुम्हें रोजी बच रहा हो तो अल्लाह पाक तुम्हें दे। हाँ हाँ सही बात है, इसमें हमें गोश्त नहीं बच रहा। हम तो चाहेंगे ना हमें 2 बीस में 5.5 मन तो मिले कम से कम। वो तो 6 लाख का मिलेगा। 6 लाख, 6 लाख में मैं इंशाल्लाह 12 मन का बछड़ा, 15 मन का बछड़ा दूंगा। इस वाइट का क्या मांगता है तुम? हाँ इस वाइट का 4.5 लाख। 4.5 लाख ये इस काले बच्चे के पूरे 4। भाई ये बंदा तो डरा रहा है मुझे, ये बंदा कह रहा है कि यहाँ से निकलो फिर आगे पीछे चलो, आ जाओ। क्या होगा बा? बाबा साईं ये वीडियो है, रेट्स दे रहे हैं, जिनको तुम मुनासिब रेट मांगोगे ना लोग देख के तुमसे जानवर खरीदेगा, और तुम इतना रेट मांगोगे तो कैसे लेगा? 4 लाख का मांग रहे हो यार तुम इसका। अच्छा बाबा साईं एक बात बताओ, अभी खरीदार है मंडी में? हाँ खरीदार है। हाँ माल बिका तुम्हारा कुछ? अल्लाह माल का। कितने माल लाए? अभी तक निकला नहीं है लेकिन खरीदार है। अल्लाह माल, अल्लाह माल का भला अल्लाह को सहा होगा। हाँ हाँ सही बात है, अल्लाह बिकवाने वाला है। पर रेट थोड़ा मुनासिब मांगो ना सही। मांगो भाई 4.5 मांग रहे हो ना तुम इसके? 3 लाख दे दो। अच्छा देखा, डायरेक्ट 1 लाख कम कर लिया रहा। अब थोड़ा 50 और कम करो, 2.5 डिमांड करो इसका। इसका 2.5 डिमांड करो, 2.10, 2.5 में छोड़ दो। 2.5 का एक टांग है। चलो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे तो भाई थोड़े रेट बहुत ज्यादा 8 मांग रहे हैं कि बस कानों को मिर्चे लग जाए और भाग जाए यहाँ से कस्टमर। भाई मलिर मंडी में ना यही बात है, एक पड़ोसी मांगेगा मुनासिब, अगला पड़ोसी ऐसे मांगेगा कि तुम्हारे कान के होश रुबा हो जाएंगे। भाई इसकी क्या मांग रहे हो? अच्छा तुम्हारा नहीं है, सही कहा। अच्छा देखें भाई, मेरी कोशिश ये है कि मिडल में भी अगर आपको बछड़े दिखाऊँ ना तो खूबसूरत दिखाऊँ, क्योंकि डिमांड लोग करते हैं कि खूबसूरत जानवर की। ये देखें एक छोटे खड़े में, इनमें वो इतनी बात नहीं है, हर तरीके का खरीदार है, छोटा है, छोटा है। सौदा बन रहा है इस काले वाले का, सौदा हो रहा है भाई, सौदा हो रहा है। जुम्मे की नमाज के बाद अब खरीदार नजर आ रहे हैं। क्या मांग रहे हैं इसके, क्या मांग रहे हैं? खरीद रहे हो तुम? क्या डिमांड कर रहे हैं? पता नहीं है। बच्चा तो खूबसूरत है भाई, सौदा बन जाता तो अच्छी डील होगी। डिमांड तकरीबन 2.5 से 3 कर रहे हैं। ये देखें भाई सौदा चल रहा है। दोपहरी भाई मांग रहे हैं 2.70, और जो खरीदार हैं वो लगा रहे हैं 1.70 में। ज़रा बछड़ा देखें, सौदे की कोशिश चल रही है यहाँ पे। बछड़ा तो अच्छा है, खैर एक सौ कितने तक का है? 1.70। भाई ने सही लगाया माशाल्लाह से। बछड़ा देखें, पान वान चेक करें इसकी, बहुत अच्छा है। ये देखें सही, क्या मांग रहे हो इसके? आ जाओ आ जाओ, वो सौदा मुश्किल ही बनेगा क्योंकि जब व्यापारी बात कर रहे हैं ना तो ओहो हैवी बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है रेट्स तो, चाचा आपका ये क्या मांग रहे हो? जोड़ी के, जोड़ी के जी। इसके क्या मांग रहे हो? इसके 11.5 लाख जोड़ी के। जी जी हाँ सर। भाई 11.5 लाख रुपए मांग रहे हैं भाई। इसके रेट ज़्यादा है पर बछड़े हैवी वेट हैं, तकरीबन 6.5-7 मन के बछड़े हैं। 10.5 मांग रहे हैं। अच्छा कितने तक में बनेगा ये जी? कितने तक में सौदा बनेगा इसका आप बात करें? चाचा तुमने रेट इतना मांगा है? नहीं मैंने सही दाम लगाया है, आप बताएं।
बने हुआ दोनों का? जी जी हाँ, के अंदर अंदर छह के अंदर छह के अंदर कितने में बनेगा? छह के अंदर नहीं बनेगा। तो एक एक आइडिया आपका माइंड क्या है, कितने में दोगे? साढ़े सात में दूंगा। साढ़े सात? हाँ दोनों दोनों। मैं छह के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा ये माइंड है दोनों साढ़े पाँच पाँच साठ सत्तर के अंदर अंदर। मैंने सही बताया। अच्छा देखिए भाई, मैंने छः के अंदर बात करी थी तकरीबन पौने छः की, तो चाचा मान गए ये दोनों देने पे साढ़े सात में। बछड़े चेक करें उधर उधर, ये दिखाते हैं ये भाई मुनासिब। अगर दोनों छः के अंदर अंदर मिलते ना तो बहुत मुनासिब वाली बात होगी। इसकी क्या डिमांड करें चाचा? ये वाला जी, ये चार अस्सी का है। चार अस्सी दो दांत पे? चार दांत है दो दांत, दोनों तीनों चार चार है। हाँ दो एक है ये, बस एक दो, ये दो दो दांत है। इसकी क्या डिमांड है लाल की? साढ़े पाँच। साढ़े पाँच जी हाँ। अच्छा भाई ये देखें भाई, खूबसूरत चीज देखें, इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? इसकी क्या कर रहे हैं डिमांड चाचा? इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? वो वाला जी जी, इसका तो बताया ना? नहीं इसका बताया ना साढ़े पाँच। हाँ, इस वाले का? उसका पाँच अस्सी। इसका पाँच अस्सी। अच्छा देखो चाचा, रेट थोड़ा ऊपर मांग रहे हो। ऊपर नहीं, ये चीज देखो ना, कलर तो देखो ना, कलर अच्छा है, कलर अच्छा है, नो डाउट ना, रेट भी तो ऊपर है ना चाचा? तो है ना, सब कोशिश कर रहा है अपनी सौदा मारने की। बच्चा तो देखो भाई, बच्चा तो पूरा है। ये चेक करें, ये देखें कितना होगा, तकरीबन छः साढ़े छः मन नहीं, साढ़े पाँच ये नहीं नहीं है ऊपर का है, पर डिमांड ज़्यादा कर रहा है ना, डिमांड ज़्यादा कर रहा है। कितने में बनेगा आप बताएं? चूट पे ही लगाऊंगा डायरेक्ट। हाँ दो सत्तर। दो सत्तर का? दो सत्तर का कितने में? दो सत्तर का नहीं, अच्छा मैंने भरपूर लगा दिए। अगर तुम, अगर तुम्हें पाँच मन का लग रहा है सौ तो दो सत्तर तो तुमने ज़्यादा लगा दिए। ज़्यादा लगा दिया? हाँ ना। ये अच्छा। बोल रहा है सऊद, कह रहा है कि ये है पांच मन का, ठीक है। कितना मन होगा वजन? साढ़े छह मन होगा। साढ़े छह मन? हाँ बिल्कुल। दो सत्तर लगाया तुमने डायरेक्ट, मोहब्बत वाली क्या बात है, फाइनल बता दो। तीन तीस होगा? तीन तीस देख लो कितने, पाँच अस्सी से तीन तीस पे आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ी लचक होगी इसमें। हाँ हाँ नहीं, लचक नहीं होगी। सत्तर में यार सऊद तुमने ज्यादा लगा दिए इसके, तकरीबन तकरीबन ज्यादा नहीं, जो शॉकिंग होंगे ना वो खूबसूरती के सामने, इसकी खूबसूरती दिखाओ। हाँ हाँ खूबसूरती आगे जाके ये देखें भाई इसका फेस। अगर ये छः मन बच्चा है, ठीक है चलो छः मन में मान लेते, उसका सीना वीना सीना वगैरह है, छः मन बच्चा है, छः मन कुर्बानी का चल रहा है। अभी आप खुद लगा लो पचास हज़ार रुपये इस बच्चे का देख लो। बिल्कुल, अगर चाचा ये दो सत्तर, अभी मैं दस बीस ऊपर नीचे करूँगा तो ये चाचा दो अस्सी दो नब्बे में दे देगा। तीन तीस पे आ चुके हैं, तीन तीस पे आ चुके हैं। सौदा अच्छा होगा देखो दो सत्तर में ना। ये देखें भाई चाचा, ये है भाई। नहीं यार ऊपर की बात है, साढ़े छः से ऊपर है, बहुत ऊपर की चीज़ है। साढ़े छः और फरहान छः के अंदर है। देखें सऊद लुक है, बॉडी है, और इनके रेट देखें, काले ये काला वाइट देखें यार, सुथरा कल। अरे चाचा के पास हो गया अच्छा तो करी। हाँ हाँ चाचा की कॉल आ गई है, रेट्स भी अच्छे हैं इनके वीडियो। अच्छा भाई वहाँ से तो सौदा बना नहीं, सौदा बनाने की भरपूर कोशिश करी थी चाचा ने, नहीं दिया। करीब करीब सौदा था, पर सऊद कह रहे ये पाँच सवा पाँच मन, मैं कह रहा हूँ साढ़े छः मन, तो सऊद की बात मैंने मानी। अगर पाँच साढ़े पाँच मन है तो भाई तुमने दो सत्तर बहुत ज़्यादा लगा दिए, इसलिए हमने सौदे को मैंने खूबसूरती के साथ, सऊद ने खूबसूरती के साथ से लगाया, तो इसके लगाओ ना खूबसूरत चीज़ें देखो। साई क्या मांगता है इसके? साढ़े चार। इसको सब तुम खुद खड़ा करो, बच्चा भाई खूबसूरती है, चेक करो सऊद ऐसे के लगाओ, ऐसी खूबसूरती हो, दुम दब गई है उसकी, दुम दब गई है। अच्छा भाई साढ़े चार इसकी डिमांड कर रहे हैं, ब्यूटी चेक कर रहे हैं। उसने कितनी गिरी थी? पाँच साठ, पाँच साठ की थी, पर क्या ही कितना है, पौने चार मन बच रहा है, चार मन हो गया, चार मन बच रहा है, पर खूबसूरत बहुत है। कहाँ तक लगाओगे यार? अच्छा लेने आयो, लेने आयो, उनको लेने आए थे। तो मंडी के क्या हाल चाल चल रहे हैं भाई? अभी आए, अभी आए, अभी पहला भी चलता, अभी एक बछड़ा होने वाला है आगे बस।
रेट वेट समझ में आ रहे हैं आपको मंडी के? सही है कोई, नाजायज नहीं है, पर फिर भी जैसे कोई सही मांग रहा है, कोई ज्यादा माल होता है। मैं आपको बताऊं, व्यापारी परेशान है, व्यापारी का माल नहीं निकल रहा, खरीदार नहीं है। हां, नादरन बाईपास पे जो हुआ है ना, वहां पे खड़ा हुआ है खूबसूरत बेचारा। चाचा ने 580 बोले, मैंने डायरेक्ट 270 लगाए, चाचा डायरेक्ट 330 पे आ रहा है, देने के मूड में बैठे हुए। फिर मुझे ऐसा डाउट हुआ, कहां से आए हो? दादू से। दादू से माल वाल बिका तुम्हारा कोई? नहीं बिका। कितना माल लाए हो? 10-15। तो कितना दिन हो गया? 7 दिन हो गया। 7 दिन हो गया, तो रेट नहीं लग रहा है क्या? दे रहे नहीं लग रहा है। अच्छा, वैसे मार्केट खराब चल रहा है ना इस बार? मार्केट खराब, बहुत खराब। तो भाई मैं आपको यही मशवरा दूंगा, कराची वाला तो हमारा मेहमान है, 10-20 रोजी बचे तुम्हें जानवर देना है। रोजी नहीं बचेगा ना? अच्छा, रोजी तो अल्लाह करे तुम्हें रोजी बचे यार, तुम हमारे मेहमान है। कराची वालों के हालात बहुत खराब है इस बार, बहुत खर्चा है। हमारी दुआ है कि आप लोग जिस मकसद दुआ करो, दुआ करो, आप अपने बच्चों के छोड़कर दुआ करो भाई जान, दुआ करो, बहुत खर्चा है। दुआ पूरी है, क्योंकि इस वक्त जो हालत चल रही है ना कराची की आवाम के, लोगों के पास खाने को नहीं है, कुर्बानी करना बहुत दूर की बात हो रही है। तो इंशाल्लाह कुर्बानी करेंगे लोग, लेकिन क्या, जो पिछले साल 2 लाख का ला था वो 1 लाख पे आ गया, 1 लाख का ला था वो बकरे पे आ गया। मैं आपको ये मशवरा देंगे कि रेट लगे, अच्छा रोजी बचे, दो और जाके रेट ही नहीं लग रहा है, रेट ही नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। लोगों के पास होगा तो रेट है। इस वाले का क्या मांगते हैं? दूसरे भाई का है। अच्छा, तुम्हारा कौन सा माल है? मेरा ये ही है, चाचा का माल, छोटा माल है। छोटा माल, छोटा माल तो चाचा बिक रहा है, तुम्हारा नहीं बिका अभी तक? नहीं बिकेगा, चाचू नहीं बिकेगा। चलो अल्लाह पाक रोजी देगा। इसका क्या मांग रहे हो? इसका 1.60 का है। 1.60? चाचू तुम मांग भी तो ज्यादा रहे हो ना, ये 3-4 मन का भी होगा चाचू। 3-4 मन का? हाँ, 3 मन का भी होगा। मेरा चाचू मां सुन देगा, तीन मन का होगा। अच्छा आओ इधर आओ, इनके रेट बताओ, इंशाल्लाह तुम्हारा जानवर बिकवाएगा, तुम मुनासिब मांगो। तुम देखो, हाँ इसका क्या मांगते हैं? गुलाबी नहीं है, खूबसूरत है। अच्छा अच्छा, गुलाबी नहीं है, लेकिन इसका क्या मांगते हो? 3 लाख बोला था। चाचा देखो यार, तुम रेट थोड़ा मुनासिब मांगो, बच्चा तुम्हारा खूबसूरत बच्चा है, ठीक है, वजन में भी अच्छा है, पर 3 लाख कितने तक में दोगे तुम? सही, कितने तक में दोगे? 2.50 का देगा। 2.50? दो से नीचे की बात नहीं इसकी? नहीं। और इसकी क्या मांगते हैं? इस वाले की क्या मांग? 3 लाख का है। अल्लाह पाक, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक तुम्हें रोजी दे, ठीक है, पर तुम भी रेट थोड़ा मुनासिब मांगो, थोड़ा रेट मुनासिब मांगो। अच्छा भाई, चाचा शिकायत कर रहे थे कि कराची वाले रेट सही लगा रहे, तो भाई तुम रेट तो मुनासिब मांगो, तभी तो मुनासिब देगा रेट। अच्छा भाई ये देखें, ये जो मंगल को अड़त खुलती है ना, ये अभी तक लॉक है, ठीक है, उस तरह से उसका गेट खुला हुआ है। चलेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको सौदे दिखाएं, क्योंकि जब तक कि मार्केट में आपको सौदे नहीं पता चलेंगे ना, तो आवाम का माइंड नहीं बनता। ये करेंगे कि जो वाला गेट वाली है ना, ये बाहर का हो गया, ये बाहर का माल हमें दिखा दे। बिल्कुल, केरा न्यूज़ है, कौन सा न्यूज़ है? एफएस कराची व्लॉगर, ठीक है भाई। ये जो अभी बाहर का जो है ना, हिसाब किताब मैं आपको बता रहा हूँ, हमने बाहर के रेट दे दिए, अभी 2-4 जानवर के यहाँ के भी रेट ले लो इस पट्टे के, ठीक है, इस पट्टे के रेट लेने के बाद जो है ना, फिर अपन चलते उधर उस तरफ, चलते डालेंगे पार्ट टू में, पार्ट वन पार्ट टू करके, ताकि देखने वाला वीडियो पूरी देखे। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, लोगों को परेशानी ना हो, आप लोगों की मोहब्बत के लिए आते हम बस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो कोशिश करते हैं भरपूर रेट्स देने की। और साईं मत देखे भाई, चाचा साईं क्या मांगते हैं इसका? जी दो। ओहो बाबा, तुमने तो कान के भुरकस निकाल दिए। क्या मांग रहे हो वाइट वाले का? छोटे के रेट सुनो, छोटे के तुम्हें पता है फिर वो कैसे मांग रहे तुम्हारे? क्या मांग रहे हैं इसके? जी 260 ले लिया भाई, छोटे के रेट मिल गया, सकून पहले से आराम है, पहले से आराम है। अच्छा वो मैं बोल रहा हूँ, पहले से आराम है, तुम बोल रहे थे छोटा है, लेके दिखाओ फिर तुम, कैसा दिया तुम्हें? अच्छा लग रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया सबका रेट सुन के। अच्छा भाई कोशिश करते हैं, ये आपका भाई चला गया जानवरों के बीचों बीच, एक मुझे खूबसूरत बछड़ी नजर आई है, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो दिखाऊं, ये वाली घेनी टाइप की बछड़ी है। क्या मांग रहे हो साईं इसके? क्या मांगते हैं इसका? दूसरा बंदा का है, दूसरा बंदे का भाई, बछड़ी का प्रिंट देखे माशाल्लाह, अच्छी प्रिंट है।
अच्छी प्रिंट है, यहाँ पे भी अच्छे बच्चे हैं तकरीबन, यहाँ पे अच्छे बछड़े बंधे में। रेट्स आप पे छोड़ते हैं, क्या मांग रहे हैं इसके, इस वाले के, बीच वाले के? जी जी, कितने जोड़ी के? एक का, एक का। अच्छा मैं समझा, जोड़ी के तुम 5 लाख मांग रहे हो। अरे साईं, तुम्हें तो जोड़ी के 5 लाख मांगने चाहिए, तुम एक का 5 मांग रहे हो यार। तुम्हारे पास आ जाएंगे, एक का देना पड़ेगा फिर। अच्छा भाई, रेट कहीं मुनासिब कहीं ज्यादा, बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डील कैसे करते हैं। वो जैसे सऊद चाचा से डील कर रहे थे, उन्होंने मांगे 5.80 थे, तो वो 2.70-2.75 में देने के लिए तैयार हो गए थे। पर मैंने सऊद को कहा कि तुमने रेट थोड़े अबव लगा दिए हैं। सऊद थोड़ा भावनाओं में भेज गया था, इसलिए रोक लिया। चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 एंड कर रहा था, तो अभी भी मुझे इंतजामिया के बंदे से अपडेट ये मिली है कि यहाँ पे आप जितने भी जानवर खड़े करोगे ना, एक जानवर के 1200 रुपये अड़त के ले रहे हैं। जब से परमानेंट मंडी लगी ना, तो जितने भी माल बंधे हुए ना, 1200 रुपये एक जानवर की अड़त के रेट है। तो मुनासिब है, नादरन बाईपास से मुनासिब है, बहुत अच्छे हैं। बाकी नस्बत जो नेवल मंडी में 7000 रुपये ले रहे हैं एक जानवर के, तो यहाँ तो 1200 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं है। चले पार्ट 1 को एंड करेंगे, पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे।